हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ओपेक एग्रीकल्चर ऑनलाइन। दोस्तों, मैं आज आपको बात करने वाला हूँ आईसीआर 2020 को लेके। कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वो इन्फॉर्मेशन अगर आप सिलेक्शन होने के बाद में। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि अभी तक ना तो एनटीए के द्वारा आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है, जो फाइनल आंसर की है, ना तो वो रिलीज की गई, ना ही आपका अभी रिजल्ट अपडेट किया गया है। बल्कि आपने कई जो यूट्यूब चैनल हैं वो भी दावा करते हैं कि ऐसे कि कल इवनिंग में एक नोटिस आया था, उसमें यह लिखा हुआ था कि आज टुडे जो 12 जो आफ्टरनून थी, जो 12 बजे दोपहर में जो आंसर की रिवाइज आंसर की रिलीज की जाएगी वो की जाएगी। दोस्तों, मैं खुद मानता हूँ कि कल शाम को जो है नोटिस रिलीज किया गया था, उससे के आधार पर जो और जो टीचर हैं यूट्यूब वाले हैं वो दावा करते हैं कि आज आंसर किया जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, मेरा कहना मतलब ये है कि जब तक आप खुद अपनी आंखों से ऑफिशियल नोटिस या ऑफिशियल जो आंसर की या रिजल्ट न देख लो, तब तक आप फालतू में किसी विश्वास से जो आप कर रहे हो या जो आप करना, जो भी आपका विश्वास है किसी पर, दोस्तों मैं मानता हूँ कि उसका कोई मतलब नहीं है। मैं मानता हूँ जब तुम्हें खुद हूँ, मैंने खुद ने अब मैं चाहता मैं भी डाल सकता था कि जो कल जो नोटिस है उसके आधार पर मैं भी एक्सपेक्टेंस कर सकता था कि आपके आंसर की इस दिन आएगी इतने बजे के लिए। दोस्तों, मैं सोचा कि मैं स्टूडेंट को फालतू गुमराह क्यों करूँ, उससे कोई मीन्स नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि शाम को आएगी, फिर मान लो कल शाम को नहीं आई, फिर इससे क्या होगा। एक विश्वास से जो अपना बना रहता है वो सब विश्वास इधर कम हो जाता है, टूट जाता है, आपके प्रति या मेरे प्रति आपका विश्वास कम हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, सब कुछ मैं मानता हूँ ये सब कुछ इसका कोई मीन्स नहीं है। जब तक आप खुद अपनी आंखों से नहीं देख लो, तब तक इसका कोई मीन्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखी आंसर की और रिजल्ट के बारे में। जब तक एनटीए खुद अपडेट नहीं करता है, तब तक आप फालतू पे किसी को विश्वास नहीं करें कि कल आएगी, परसों आएगी, कितने बजे आएगी, वो आएगी, कोई फालतू इस कोई मीन्स नहीं बात होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज जो मेरा टॉपिक है कि जो आईसीआर में सिलेक्शन होने के बाद, यूनिवर्सिटी मिलने के बाद, कॉलेज मिलने के बाद आपको स्कॉलरशिप किसको मिलेगी, किस स्टूडेंट को मिलेगी, कितनी मिलेगी और इसका क्या रूल है। कि दोस्तों, तो सबसे पहले बात करता हूँ कि किसको मिलती है। तो दोस्तों, कि मान लो कि मेरा जो भी स्टेट अभी राजस्थान है और मुझे आईसीआर के द्वारा कोई कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है और मैं आईसीआर के द्वारा राजस्थान में कोई यूनिवर्सिटी चॉइस करता हूँ, कॉलेज चूज करता हूँ, तो दोस्तों मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसका मीन्स है कि अगर अपन होम स्टेट में अगर कोई यूनिवर्सिटी चॉइस करते हैं, आईसीआर के अंडर में कॉलेज अलॉटमेंट होती है, तो होम स्टेट वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है आईसीआर के द्वारा। तो इसका मीन्स ये हुआ कि अगर अपन होम स्टेट के अलावा किसी अन्य अदर स्टेट में अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट होती है, तो ही अपन को स्कॉलरशिप दी जाएगी। समझ गया बात, कि होम स्टेट वालों को अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिलती है आईसीआर के अंतर्गत में अंडर में, तो उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। और होम स्टेट के अलावा किसी और अन्य स्टेट में आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिलती है, अलॉटमेंट होती है, तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब बात करते हैं कि कितनी मिलती है। देखिए दोस्तों, आईसीआर के द्वारा जो यूजी स्टूडेंट होते हैं, जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले होते हैं या जो यूजी हैं ओवरऑल आईसीआर यूजी वाले स्टूडेंट को, उनको पर मंथ कितनी, पर मंथ 3000 रुपये पर मंथ, यानी 3000 रुपये प्रति महीने उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। यानी कि 12 महीने कितने हो गए, 12 × 3000 बराबर 36000 रुपये एक साल के उनको पेमेंट दिया जाता है आईसीआर के द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो कितनी होगी आपको एक साल की 36000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है आईसीआर के द्वारा। वो स्कॉलरशिप आपको हर महीने नहीं दी जाएगी, वो स्कॉलरशिप आपको 1 ईयर एक साल में एक बार दी जाती है, यानी 12 महीने के बाद आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, वही बाइक चेक के द्वारा दी जाएगी, चाहे वो यूनिवर्सिटी से हो या कॉलेज में आज से जहाँ पढ़ाई कर रहे हो वहीं आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन परसेंटेज की, कि इसमें रूल क्या होता है, कि आपको इसमें कितनी परसेंटेज आपको जो ओजीपी उसे बोलते हैं ओवरऑल ग्रेड पॉइंट, जो आपको प्रत्येक ईयर में आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। देखो आईसीआर की आपको अगर स्कॉलरशिप प्राप्त करनी है हर साल, जैसे आप फर्स्ट ईयर में जाओगे फर्स्ट ईयर में तो चलो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो आप फर्स्ट ईयर की जो परसेंटेज है वो देखी जाएगी, वो कितनी देखी जाएगी। उसके लिए आईसीआर की स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आपकी हर साल 70% कितनी 70% आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट की 70% से परसेंट कम हो जाती है, अगर पॉइंट में भी इसके अगर 69.9 भी अगर परसेंट रह जाती हैं, तो उस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, उस स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आईसीआर से नहीं आएगी। तो समझ गए कि आईसीआर की स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आपको प्रत्येक वर्ष या प्रति ईयर आपको 70% आपको मेंटेन करनी पड़ेगी हर ईयर में। अगर आपको एक ही पॉइंट कम हो जाता है 70 से, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।